नमस्कार, जनसेतु के खास प्रोग्राम एनएनए यानी नेशनल न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसली। यहाँ हम बात करेंगे आज की तमाम खास खबरों की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने कहा कि योगी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी है, इस सरकार के लिए तबादलों का घोटाला आम बात है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि मंत्री दिनेश खटीक उपेक्षा की गई थी कि जिसके बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। संजय सिंह ने कहा कि सरकार के अपने ही मंत्री ने उसका सच उजागर कर दिया है। क्या कुछ बोले, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश का जल शक्ति मंत्रालय हमेशा से विवादों में रहता है। आपको याद होगा आदित्यनाथ जी की जो इसके पिछली जो सरकार थी उसमें कई बार मैंने जल शक्ति मंत्रालय का घोटाला लोगों के सामने रखा। घटिया पाइप सप्लाई करने का मामला, घर घर नल योजना में घोटाले का मामला, बढ़े दामों पर टेंडर करने का मामला, हजारों करोड़ का घोटाला जल शक्ति मंत्रालय में हुआ था। इसका खुलासा मैंने किया था जब आदित्यनाथ जी की इसके पहले की सरकार थी, और अब जब दोबारा सरकार बनी आदित्यनाथ जी की, तो अब मैं नहीं कह रहा, इनके खुद के विभाग के मंत्री दिनेश खटीक जी का आज बयान है कि नमामि गंगे से लेकर घर घर नल पहुंचाने की योजना में उनके अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं और तबादले तक में घोटाला हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी से कि आप इन बेईमानों पर कार्रवाई कब करेंगे? एक आपका मंत्री खुद से कह रहा है कि मैं दलित समाज से हूं इसलिए मेरी सुनी नहीं जाती, नमामि गंगे में घोटाला हो रहा है, घर घर जल योजना में घोटाला हो रहा है, जल जीवन मिशन में घोटाला हो रहा है, आपकी सरकार क्यों इस तरह से सो रही है? यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे तो आश्चर्य हुआ कि उस मंत्री को आदित्यनाथ जी पे भरोसा नहीं है, उस मंत्री को योगी सरकार पे भरोसा नहीं है, उसने अपना इस्तीफा अमित शाह जी को भेजा है। यानी उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं चल रही है, अमित शाह जी की सरकार चल रही है। एक राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग का, वो अपना इस्तीफा दुखी होके, पीड़ित होके, भ्रष्टाचार से, तबादलों के घोटाले से पीड़ित होके अमित शाह जी को भेज रहा, आदित्यनाथ जी को नहीं भेज रहा है। और तबादले का घोटाला तो यूपी में आम बात हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं तबादले में घोटाला हुआ, पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादले में घोटाला हुआ, पशुपालन विभाग में घोटाला हुआ, और अब ये नया मामला आ गया। जल शक्ति मंत्री, राज्य मंत्री दिनेश खटीक जी का, वो कह रहे हैं तबादले में घोटाला हुआ। तो उत्तर प्रदेश की जनता को ये सच जानना बहुत जरूरी है कि आज घोटालों में डूबी हुई ये सरकार चल रही है जिसमें तबादले से लेके आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं में, पानी पीने तक की योजनाओं में भ्रष्टाचार चल रहा है। अखिलेश यादव के गठबंधन के साथ ही रहे ओम प्रकाश राजभर ने उनसे रिश्ता तोड़ने का पूरा मन बना लिया। बुधवार को उत्तर प्रदेश के जौनपुर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने साफ शब्दों में कहा कि अखिलेश यादव के राज में गुंडे रंगदारी वसूलते थे। अखिलेश यादव का भविष्य का मुख्यमंत्री बताने वाले ओम प्रकाश राजभर के सुर हाल ही में विधानसभा चुनाव की हार के बाद बदल गए हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए गठबंधन का समर्थन करने वाले राज्यपाल ने कहा कि अखिलेश यादव के राज में खुलेआम गुंडागर्दी होती थी। राजभर ने यह भी कहा कि उन्होंने देशहित में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया और अगर अखिलेश यादव चाहते हैं तो वह उन्हें तलाक दे सकते हैं। क्या दिक्कत है आपको? या देश गठबंधन से जूझ रहा है, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार सब गठबंधन से बन रही है। देश में 50 दलों को मिला करके माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है। यूपी में योगी जी को ही देख लीजिए, यहाँ गठबंधन की सरकार है, बिहार में सरकार है, राजस्थान, सब जगह तो गठबंधन की सरकार है। यानी आप समाजवादी पार्टी से आपका वो खत्म हो गया? जिस दिन अखिलेश जी तलाक दे देंगे उसी दिन खत्म। नेता जी तलाक कैसे मानेंगे? अखिलेश जी कह दें क्या अभी गठबंधन में है? बिल्कुल है। रुपए 80 के पार चला गया है, टैक्स लग रहा है अनाज से लेकर के तमाम चीजों पर, कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? देखिए, दिक्कत उनको है जो सियासत में है, दिक्कत उनको दिख रही है। धरातल पे ये बातें लोगों को नहीं समझ में आ रही है। लोग आखिर में वोट क्यों दे रहे हैं, सरकार क्यों बना रहे हैं,
कोई ना कोई उनको फायदा दिख रहा होगा तभी ना बनवा रहे हैं, ना किसी को मुद्रा दिख रहा है, ना कोई को विदेश नीति दिख रही है, ना कुछ दिख रहा है। 60% देश में आज भी ऐसे लोग हैं आज़ादी के 75 साल में ना उनके दरवाजे पर स्वास्थ्य पहुंचा, ना शिक्षा पहुंची, ना रोजगार पहुंचा, ना नौकरी। 70 साल से वोट दे रहे हैं, आज तक उनको एक पैसे का लाभ नहीं मिला। इस नाते उनके यहाँ ये दिख रहा है कि हमको कम से कम 5 किलो गेहूँ है सही। जिस तरह से GST लगाया गया उसके समर्थन करते हैं क्या? पूरे देश सब मान रहा है तो हम क्या करें? बहुजन समाज पार्टी भाजपा बी टीम तो सभी को बता, अखिलेश यादव जी बी टीम नहीं है का? कांग्रेस बी टीम नहीं है, हम भी बी ए टीम वाले में हैं। ये टीम तो वही ना है, जो जीत गया वो ए टीम है, जो हार गया वो बी टीम है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की संपत्ति परिवार की जेब में है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पर है। देश को सच्चाई पता चलनी चाहिए। आज ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। देश को हम ये बताना चाहते हैं कि मामला है क्या। सोनिया जी और राहुल गांधी इस मामले में एक्यूज्ड हैं, बेल पर हैं, जिसमें धोखाधड़ी 420 का भी आरोप है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट किया। इनकम टैक्स ने इस पूरे मामले को जांचा और अनियमितता पर गंभीर टिप्पणी की और टैक्स लगाया। उसके खिलाफ इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल गए ये लोग, वहां भी सफलता नहीं मिली। और उसके बाद फिर हाईकोर्ट गए, वहां भी सफलता नहीं मिली। तो देश को हम ये बताना चाहते हैं कि सोनिया जी और राहुल गांधी बेल पर हैं इस मामले में और उनके FIR को क्वाश करने की सारी प्रार्थना सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट हो गई है। अब ये मामला है क्या? मामला बहुत सरल भाषा में यह है कि कांग्रेस पार्टी तो परिवार की जेबी संस्था हो चुकी है, उनके नेता भी जेब में हैं। अब कांग्रेस पार्टी की संपत्ति भी परिवार के जेब में लाई जा रही है, यही ये मामला है। नेशनल हेराल्ड एक अखबार था, आजादी के आंदोलन का था, तो उसमें पब्लिक के बहुत बड़े नेता शेयर होल्डर थे। बाद में अखबार नहीं चला, अखबार बंद हो गया, उस पर बड़ी देनदारी हो गई और बहुत ही छद्म तरीके से 90 करोड़ रुपया लोन दिया गया और एक पारिवारिक संस्था यंग इंडिया बनाई गई, जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी 76% के शेयर होल्डर्स हैं, मेजॉरिटी, बाकी दो लोग नहीं है, मोतीलाल जी और ऑस्कर फर्नांडिस गुजर गए। और बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से पूरे नेशनल हेराल्ड की ओनरशिप को यंग इंडिया को दे दिया गया। नेशनल हेराल्ड के पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, दिल्ली में है, मुंबई में है, मोहाली में है, जिस संपत्ति को कांग्रेस सरकारों ने सस्ते दर पर सरकार की जमीन दी, उससे हजारों लाखों रुपया किराया आता है। यह है कुल मामला। इस मामले की जांच चल रही है, आप क्यों नहीं वहां जवाब देंगे भाई? यह बड़ा सवाल है। पूरे बीजेपी के ऊपर संस्थाओं को समझौता करने का आरोप लगाते हैं राहुल गांधी, लेकिन आप बेल पर हैं, कानून के शिकंजे में हैं और आप जवाब नहीं देंगे और सुने जवाब नहीं देंगी। और याद करिए, इन लोगों ने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनको प्रताड़ित करने का कितना केस चलाया गया। वो स्वयं हाजिर हुए, 12 घंटा उन्होंने
एजेंसीज के प्रश्नों का जवाब दिया। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, कभी बीजेपी के गुजरात ने प्रदर्शन किया क्या? कभी देश की बीजेपी ने प्रदर्शन किया क्या? यह हमारा कानून को मानना, और मोदी जी थक कर निखर कर कानूनी प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट तक बाहर निकले कि उनके खिलाफ गुजरात दंगों के सारे आरोप बेबुनियाद थे। एक ये हमारा आचरण है, कानून संस्थाओं का सम्मान। और एक इनका आचरण देखिए कि मुख्यमंत्री दिल्ली बैठे हुए हैं, सारे एमपी सदन छोड़कर उनके समर्थन में ईडी और अन्य संस्थाओं को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है बड़े सवाल। इसलिए आज ये जो सत्याग्रह नहीं दुराग्रह है कांग्रेस पार्टी का, परिवार जब पार्टी की संपत्ति को अपनी जेब में कर रही है उसको बचाने का दुराग्रह है, तो हम इसकी भर्त्सना करते हैं। देश में सच्चाई जानी चाहिए। सच्चाई यही है कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी बेल पर हैं, जिसमें आरोप 420 का भी है, धोखाधड़ी का भी है, 120 दी कंस्पिरेसी का भी है, और वो हाई कोर्ट गए हार गए, सुप्रीम कोर्ट गए हार गए, एफआईआर क्वाश नहीं हुआ, इनकम टैक्स से कंफर्म है। तो अब ईडी जब पूरे मामले की जांच कर रही है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस है कि नहीं, तो आप जवाब नहीं देंगे क्या? और जाएंगे तो पूरे देश में ईडी और सरकार के खिलाफ इस तरह से मुख्यमंत्री और उनके नेतागण बेबुनियाद हवा बनाएंगे। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और हमें पूरा विश्वास है, कांग्रेस पार्टी की हताशा है, इतनी बड़ी हार के बाद भी, बार बार हारने के बाद भी, पार्टी को जेबी बनाने के बाद भी, अब पार्टी की संपत्ति भी जेबी बनाई जा रही है और सवाल का जवाब भी नहीं देंगे, ये मामला है। टुडे सोनिया गांधी जी इज गोइंग टू बी क्वेश्चन बाय द ईडी। टू आवर अटर सरप्राइज, कांग्रेस पार्टी इज undertaking a dharna and a pradarshan and a campaign against the ED. Even the chief ministers of the Congress party have left their capital of the state and come back to support. What the matter is, Sonia ji and Rahul Gandhi both are accused in a criminal case in this connection. The accusation includes 420 cheating, fraud, and also conspiracy, criminal conspiracy, 120B. After taking bail, they went for quashing of the FIR and prosecution. The High Court rejected, the Supreme Court rejected. The Income Tax took up the matter, they found glaring illegality. Ultimately, they went to the tribunal, there also they did not succeed. They went to High Court, they did not succeed. This is the pure legal position where they have to respond. What exactly is the issue? National Herald was born in the freedom movement, eminent leaders of the Congress party, their shareholders, but the paper could not continue. And the entire ownership of the paper was fraudulently, in a surreptitious manner, was converted as the jagir of the family by creating a Young India platform in which Sonia ji and Rahul Gandhi own 76% of share. The other two, Motilal Vora and Mr. Agami Muharram Tihar ke silsile mein majlis e उलेमा ए हिंद के महासचिव वशिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद मौलाना ने कहा कि मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि मुहर्रम रिवायत के अनुसार होगा, आज़ादारी की किसी रिवायत पर कोई रोक नहीं है। मौलाना ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बेजा हथियारों की नुमाइश और शक्ति प्रदर्शन प्रतिबंध लगाया है, वहीं रिवायती कमाव व जंजीर के मातम पर कोई पाबंदी नहीं है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम के सिलसिले में हमारे प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका ये बयान के शस्त्र प्रदर्शन के ऊपर पाबंदी है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरम फैलाया जा रहा था और गलत फहमियाँ फैलाई जा रही थी बहुत शरारती लोगों की तरफ से कि उन्हीं ने जुलूसों में कमर के मातम पर और जंजीर के मातम पर पाबंदी लगा दी। आज 4:30 बजे हमने उनके घर के ऊपर उनसे मुलाकात की, उनसे इस बारे में हमने दरियाफ्त किया, तो उन्होंने बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कहा कि जो रिवायती तौर पर होता चला आया वो होगा, हमने नई बात की जो है उस पर पाबंदी लगाई कि कोई नई बात ना होना चाहिए और खामखा का प्रदर्शन ना होना चाहिए, और जो परंपरागत तौर पर रिवायती तौर के ऊपर के जो कमा और जंजीरों के मातम होते आए हैं जुलूसों पर उस पर कोई पाबंदी नहीं है। साफ लफ्ज़ों में बताया कि उस पर कोई पाबंदी नहीं है और हमने कहा कि इस तमाम चीज़ों का आप जो बड़े बड़े अफसरान उन तक भी पहुंचा दीजिए ताकि उनकी तरफ से भी कोई गड़बड़ी ना हो, तो उन्होंने कहा हम उनसे भी कह देंगे कि इस ना कमा नदी पर कोई रोक है और ना जंजीर नदी पर कोई रोक है, क्योंकि ये सदियों से और सैकड़ों साल से ये चीज होती चली आ रही है। इसी तरह से हमने उनसे कहा कि जो सपा के जमाने में काले झंडे पर पाबंदी लगा दी गई थी और उसको भी आप देखिए उसको कि पुरानी रिवायत क्या रही है, तो उनका भी हम भी पुरानी रिवायत देखकर उस सिलसिले में हम आदेश अफसरों को दे देंगे, तो लिहाजा बहुत ही अच्छी गुफ्तगु हुई इससे बहुत, और जो लोगों में डर और खौफ पैदा हो गया था बाद शरारती लोगों के ये अफवाह फैलाने से कि साहब जुलूसों में कमरदनी पर और उस पर पाबंदी है, तो बिल्कुल साफ लफ्जों में कह दिया उन्होंने कि ऐसी कोई पाबंदी न कमरदनी पर है और न ही जंजीर के मातम के ऊपर है, बल्कि जैसा होता आया है जुलूसों में वैसे ही होगा। इसमें हम जनाब अमीर शमसी साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि वो भी उन्हीं ने भी इस सिलसिले में पूरी मदद की हमारी, और हमारे अली दैदी साहब सदर वक्फ बोर्ड वो भी मौजूद थे, शमीर शमसी साहब भी मौजूद थे, और तमाम लोगों के दरमियान ये तमाम पूरी बातें कही। हम योगी जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हीं ने हमारे जितने भी भ्रम जो पैदा किए जा रहे थे उनको बिल्कुल उन्होंने खत्म कर दिया, उनके शुक्रगुजार। मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दोनों चरणों के रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट को लेकर दोनों प्रमुख दलों बीजेपी कांग्रेस में जश्न का माहौल है। नगर निगम की 16 सीटों में से कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है, इसके साथ ही बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की। निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पर कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस की ये जीत 15 महीने बाद होने वाले महाबदलाव की आहट है, साथ ही उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर तंज भी कसा। तो बीजेपी ने साबित कर लिया कि सरपंच से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक में पैसे का वो उपयोग करना चाहती है। मुझे प्रदेश भर से जनपद सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों जानकारी मिली, कईयों ने तो खुद में से बात किया कि इतना पैसे का ऑफर हमारे पास आया है। सरपंचों को पंचायत सचिव डीडीओ तहसीलदार से दबाने का प्रयास किया गया, ये परंपरा बहुत खतरनाक है। ये खरीदने की दबाने की जो परंपरा है आप सब इससे परिचित हैं कि किस तरह पैसे का नंगा नाच हुआ है, प्रशासन का नंगा नाच हुआ है, पुलिस का नंगा नाच हुआ है, और ये पैसे से किसी को खरीद सकते हैं पर उसका दिल दिमाग और आत्मा को नहीं खरीद सकते। अगले साल ये चुनाव होंगे, जिनको इन्होंने खरीदा है या जिनको इन्होंने खरीदने का प्रयास किया वो उनसे बदला लेंगे। आज कोई गरीब हो सकता है, गरीबी में वो पैसा ले ले और दब जाए, पर इसका परिणाम अगले साल जब विधानसभा का चुनाव है वो क्या करेगा आप खुद ही समझ सकते हैं। आज 16 महापौर भारतीय जनता पार्टी के थे, रिकॉर्ड बता दिए कि 2 ये 500 से आसपास से जीते। कैसे जीते मैं उस पर जाना नहीं चाहता क्योंकि घोषित हुआ है हमारे, मैं हार स्वीकार करता हूं, पर साथ में ये प्रश्न पूछता हूं कि ये कैसे जीते ये 500 के 2। हमारे पास कुछ नहीं था, हम सीफर में थे, हमारे 5 जीते और एक आम आदमी पार्टी का और एक स्वतंत्र का जीता। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी
60 हारी, जिसमें से दो 500 वोट से वो जीती है। ये आज आंकड़े बताते हैं। और अगर बीजेपी इसमें जश्न मनाना चाहती है, कोई चिंता नहीं, बच्चा कहीं और होता है, मिठाइयां ये बात है, हमेशा इनकी ये परंपरा रही है। तो ये आज बात जो ऐतिहासिक दिन है, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्साहित दिन है। नेशनल न्यूज एनालिसिस में आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तो देखते रहिए जन सेतु, जन से सरोकार।